नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट विद नारायण के साथ। तो गाइज, हम हमेशा की तरह लेकर आए क्रिकेट के 3 बड़े न्यूज, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। नंबर वन गाइज, दिनेश कार्तिक ने सूर्य कुमार यादव को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। दिनेश कार्तिक ने कहा कि सूर्य कुमार यादव जिस बॉल पर आउट हुआ है ओडिया में, अगर वही बॉल उसे T20 मैचेस में मिलते तो भी वो आउट हो जाता। इसलिए जो लोग बोल रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव ओडिया में नहीं खेल पाता, वो गलत है। सिर्फ फॉर्मेट चेंज होने से प्लेयर का फॉर्म चेंज नहीं होता, और अगर देखे तो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग यूनिट हाई क्वालिटी है, इसलिए उनके अगेंस्ट रन बनाना इतना इजी नहीं है। अभी अगर सूर्य कुमार यादव को देखे तो वो कंसिस्टेंटली इंडिया के लिए ओडिया में नहीं खेलता है। श्रेयस अय्यर ये नंबर 4 पर बैटिंग करने वाला प्लेयर है इंडिया के लिए ओडिया में, और सूर्य कुमार यादव ये उनका बैकअप ऑप्शन है। इसलिए हमें सूर्य कुमार यादव के टैलेंट को बैक करना चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि सूर्य कुमार यादव को किसी और नंबर पर खिलाना चाहिए जिससे कि उसका बेस्ट निकल कर आ सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि हार्दिक ये टॉप पर बैटिंग कर सकता है, और उसे ऊपर बैटिंग करना अच्छा भी लगता है। तो ऐसा हो सकता है कि हार्दिक को इंडिया ने नंबर 4 पर खिलाना चाहिए और सूर्य कुमार यादव को नंबर 6 पर खिलाना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसे 15-16 ओवर दोगे तो वो वहां से गेम चेंज कर सकता है, और वो उसके लिए सबसे अच्छी जगह भी है। और अगर तब 4-5 फील्डर भी बाउंड्री पे रहे तो भी वो बाउंड्री हिट कर सकता है, और हमने देखा भी है जब कम ओवर्स बचते हैं तब सूर्य कुमार यादव और भी अच्छी बैटिंग करता है, और मुझे भरोसा है कि सूर्य कुमार यादव ओडिया में भी अपना बेस्ट देगा। नंबर 2 गाइस, पाकिस्तान के फॉर्मर प्लेयर मोहम्मद हाफिज ने इंडिया टीम को लेकर एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया। मोहम्मद हाफिज ने कहा कि अगर हम इंडिया टीम के लास्ट 10-12 साल देखें तो जिस कंट्री में भी इंडिया खेलने गई है वो हमेशा फेवरेट रही है। इंडिया को कोई भी बायलैटरल सीरीज हरा नहीं पाया है। इंडिया का सक्सेस रेट काफी अच्छा रहा है, लेकिन जब बात आईसीसी टूर्नामेंट्स की आती है तब इंडिया हमेशा परफॉर्म करने में फेल हो जाती है, और आप कभी भी डोमेस्टिक क्रिकेट को इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते है, और वैसे ही आप बायलैटरल सीरीज को आईसीसी टूर्नामेंट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते है। और हमने रिसेंट में देखा है कि इंडिया ये आईसीसी टूर्नामेंट का प्रेशर बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाती है। इंडिया हमेशा क्रंच मैचेस सेमीफाइनल हार जाती है, और कभी कभी तो नॉकआउट के पहले ही बाहर हो जाती है। इंडिया ये 2017 का चैंपियन ट्रॉफी हारी थी, और उसके बाद से इंडिया का आईसीसी में परफॉर्मेंस कम हो गया था। नंबर 3 गाइस, वसीम अकरम ने इंडिया टीम को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। वसीम अकरम ने कहा कि विराट कोहली, रोहित शर्मा और केएल राहुल ये तीनों अच्छे ग्रेट प्लेयर है इंडिया के लिए। केएल राहुल ने इंडिया को लास्ट मैच जिता के दी थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, इसलिए ये बोलना गलत होगा कि इंडिया के बैटर लेफ्ट आर्म बॉलर के अगेंस्ट ट्रैप होते हैं। सारे प्लेयर्स को प्रॉब्लम होती है जब बॉल अंदर आता है लेफ्ट आर्म पेसर का, और सेकंड ओडिया में जिस पिच पर मैच चल रहा था मुझे ऐसा लग रहा था कि मैच ये ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है, और ये एक अच्छा मैच था और ऑस्ट्रेलिया ने अच्छा खेला। अब ये सीरीज 1-1 के बराबरी पर आ गई है। वैसे तो मैं ज्यादा फॉलो नहीं करता इंडियन क्रिकेट को रेगुलरली, लेकिन मैं ये कहूंगा कि इंडिया के पास ज्यादा ग्रेट प्लेयर्स है, और उन्हें पता है कि ऐसे पिचेस पर खुद को कैसे एडजस्ट करना है। और कुछ ऐसे दिन आते हैं जहां बॉलर्स अच्छी बॉलिंग करते हैं, और मिचेल स्टार्क ने काफी अच्छी बॉलिंग डाली, इंडिया के पहले 3 बड़े विकेट ले लिए और फिर उसके बाद 2 विकेट ले लिए, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो ग्रेट बॉलर है, वो वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है वर्ल्ड में, और वो दिन उसका था। चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।